हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल एस आर सचिन एस आर में। तो आज हम लोग देखेंगे, एक मेरे पास सर्विस होने आई थी हीरो ऑक्टिमा, जो कि ओल्ड मॉडल है और ये करीब 5 साल चली हुई गाड़ी है। और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो है मोटर की। तो मोटर घिस करके चल रही थी, यहाँ पर जो है मोटर पिकअप भी नहीं बना पा रही थी, मोटर घिस के चल रही थी, एवरेज भी नहीं अच्छा निकल रहा था। तो इस वजह से जो है मैंने इसको सर्विस पे बुलाया, और जब सर्विस पे बुलाया तो मोटर की कंडीशन कुछ इस प्रकार निकली, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। ये है ऑक्टिमा प्लस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ओल्ड मॉडल है और इसके फीचर्स भी काफी उमदा क्वालिटी के बनाए गए थे। उस समय की बात है जब ये 5 साल पुरानी गाड़ी है, 5 से 6 साल ये चलाई हुई गाड़ी है, और इस गाड़ी का पैसा पूरा आधा है। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भरोसा नहीं करते तो करना सीख लीजिए, क्योंकि ऐसी गाड़ियां आपको बहुत सारी रोड पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर मोटर की। तो मोटर मैंने पूरी खोल के रखी हुई है। जो मोटर की कंडीशन है कुछ इस प्रकार निकली, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसके अंदर पानी जाने के कारण, ये बहुत दिनों से खड़ी होने के कारण मोटर ये कुछ इस प्रकार हो गई है। तो घिस कर करके कहाँ चल रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोटर और मैग्नेट के बीच की जो डिस्टेंस थी उसमें यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये वाटर आने के कारण ये पूरा एकदम बालू टाइप का हो गया है। और ये शुक्र करिए कि यहाँ पे जो इसकी कॉइल है वो अभी भी बची हुई है, और इसकी जो कॉइल है वो काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तारों की बनाई गई है, और इसमें आप देख सकते हैं ये देखिए काफी ज्यादा डस्ट आ चुकी है। तो इस वजह से, और मैग्नेट की कंडीशन आप देख सकते हैं, मैग्नेट की भी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है। तो इसको आज हम लोग क्लीन करेंगे और इसकी मोटर को सही करेंगे। तो इसकी मोटर की जो है एक बैरिंग भी हम लोग चेंज करेंगे, ये वाली बैरिंग में हल्का सा प्ले है तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग कपड़े की सहायता से इसको क्लीन करेंगे, कपड़े और ब्रश की सहायता से। तो ये रहा मेरा ब्रश, और एक ट्रे टाइप की ले लेंगे कुछ इस तरीके, और ये है पेट्रोल जो कि हम लोग क्लीन करेंगे। इसको पहले साइड में रखते हैं, पहले हम लोग मोटर का जो रोटर है इसको क्लीन करते हैं। So afraid, couldn't see the light. No, then my world began to spin. Where's the beginning? Where's my omega? Had to make you right. Oh yeah, it's a moment when you know that every teardrop has to go. They be piling up inside. Drop it, now it's time to turn. अब मोटर क्लीन करने की बारी आ गई, जिसको पेट्रोल की सहायता से अभी हम लोग इसको क्लीन करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। तो चलिए ये भी फास्ट मोशन में थोड़ी वीडियो देख लें। We'll be right back.
अब मोटर के दोनों पल्लों को हमने पेंट कर लिया है और यहाँ पर जो है अब हम लोग रेजी बॉन्ड की मदद से पल्लों को टाइट करेंगे जैसा कि हम लोगों ने खोला था। और इसमें जो ट्रिक है आपको मैं पूरी ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको कैसे पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मोटर अभी इंस्टॉल करने की बारी आ गई है, मैग्नेट भी बिल्कुल क्लीन हो गया आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें दिखाई पड़ रहा होगा आपको। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें जो कि मैंने आपको सिखाई इसमें तो आपको ज़रूर ज़रूर सीखने को मिल गया होगा कुछ ना कुछ। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर के बोल्ट को हम लोग बांध रहे हैं पूरी अच्छे तरीके से और टाइट इसको बांधना है, ज़रा सा भी लूज नहीं छोड़ना है। तो चलिए इसको टाइट कर लेते हैं।